नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जेडीयू के पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजनीति में सदस्यता ग्रहण करने का दौर हमेशा से जारी रहा है और बिहार की राजनीति में इधर की पार्टी से कोई उधर जाता है, उधर की पार्टी से कोई इधर आता है और इसी रीत को निभा रहे हैं लोग यहाँ पर। और एक बार फिर से आपको बता दें कि जदयू के पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह ने जदयू का दामन छोड़ दिया है और राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्व एमएलसी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। कुछ बारे में उनके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने की है। मिलन समारोह का आयोजन आज पटना के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में किया गया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार सिंह ने 2015 के विधानसभा चुनाव में सासाराम की सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे थे और उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि उन्हें जीत तो हासिल नहीं हुई लेकिन इससे पहले 2003 और 2009 में हुए एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि इस बार आपको जानकारी दे दें कि अब पूर्व एमएलसी राजद में आ चुके हैं और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि पार्टी छोड़ के लोग इधर से उधर उलटफेर भी करते रहते हैं। राजनीति है, सुबह किसकी सरकार शाम किसकी कोई नहीं जानता। हालांकि विपक्ष हमेशा कह रहा है कि बिहार में सरकार 5 सालों तक नहीं चलेगी। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रहे हैं कृष्ण कुमार सिंह और अब जदयू को छोड़कर वो राजद में आ गए हैं। कहीं ना कहीं बिहार में राजद नंबर वन की पार्टी है। विधानसभा चुनाव में 75 सीट लेकर आई थी और उसके बाद से कुनबे को लगातार मजबूत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दौरा कर रहे हैं और इंद्रो नेता प्रतिपक्ष बिहार में ही है। पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय में ये मिलन समारोह किया गया था जहां पर कृष्ण कुमार सिंह ने पार्टी का दामन थामा है और इस दौरान उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो राजद के कुनबे को मजबूत करने का काम अब करेंगे। जब तक वो जनता दल यूनाइटेड में थे उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के कुनबे को मजबूत करने का काम किया लेकिन अब वो राष्ट्रीय जनता दल के परिवार का हिस्सा है और अब आरजेडी को आगे लेकर वे चलेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। सामने से हटिए ना।